मेरी आप समझो कि जब आप शावर में नहा नहा के साबुन से गंदगी बहाते हो तो उसमें मेरे घर में पैसे आते हैं। क्यों आते हैं? पहले हिंदुस्तान लीवर घर में जाते थे आपके यूज करने पे, वही हमारे आपके लिए आएगा। क्यों? क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं जो वो करते थे। आपको कोई फ्रॉड नहीं। यूज शेयर सपोर्ट, मैं रिपीट करूंगा, यूज शेयर सपोर्ट, यही तो है बिजनेस। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ऑथेंटिसिटी क्या है इसका, जरा देखते हैं। पूरे वर्ल्ड मार्केट का डेटा दोस्तों आपके सामने इसमें चल रहा होगा। पूरी दुनिया के अंदर में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा काम अमेरिका में हो रहा है, नंबर दो पे चाइना थी। लेकिन अभी 2018 का ग्लोबल डेटा देखें दोस्तों तो चाइना और अमेरिका दोनों 18-18% बराबरी पे चल रहे हैं। राइट, आप इमेजिन करना हमें दुनिया का महाशक्ति बनना इंडिया को। राइट, महाशक्ति कैसे बनोगे यार, जब महापावर की जैसे काम भी तो करो। आपको चाइना से मुकाबला करना है तो आप चाइना का झालर जलाना बंद कर देंगे, चाइना का राखी बांधना बंद कर देंगे, चाइना के सामान का बहिष्कार करके आप कभी जिंदगी में चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते दोस्त। आपको यदि चाइना से मुकाबला करना है तो चाइना के लोग क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, पहले अपने घर की इनकम बढ़ाओ, फिर मुकाबला होगा। आप देख लीजिए, इंडिया का स्थान 24वें पोजीशन पे आती है वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग में। नंबर वन पे अमेरिका थी, चाइना बराबरी की 2018 में, और 2019 में दोस्तों चाइना ने बीट कर दिया अमेरिका को। आज नंबर वन पे सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग काम कहीं होता तो चाइना में। नंबर दो पे कौन है? यूएस। नंबर तीन पे कौन है? कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील। आप सोचो आप कहां स्टैंड करते हो। यूपी से भी छोटा दोस्त कौन? अमेरिका पूरा, और नंबर वन पे काबिज है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का आंकड़ा दिखा रहा हूं। आपको लगता मैं करूं या ना करूं, आप जरा देखना, 2009 में 117 बिलियन का कारोबार था, और 2017 आते थे 189 बिलियन का कारोबार हो गया, और अभी भी आपको डाउट है कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं कि ना आऊं। ताज्जुब की बात है। राइट, आप जरा देखना, यदि नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बाय प्रोडक्ट की बात किया जाए दोस्तों, तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा वेलनेस का सेलर लगभग 33%, उसके बाद आता है सर्विसेज का और होम जो प्रोडक्ट है उन चीजों का। और आपको अभी भी डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं। पूरे वर्ल्ड का दोस्तों जरा आंकड़ा देखना कि कंपनीज ने कितना प्रॉफिट शेयर किया। 189 बिलियन में से जरा देखना, 76 बिलियन डॉलर दोस्तों पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कमीशन बांटी गई 2018 में नेटवर्क मार्केटिंग का। राइट, यानी कि 208 मिलियन पर डे, मैं रिपीट करूंगा, 208 मिलियन डॉलर पर डे का एवरेज है ये। इतना ह्यूज हम लोगों के पास पैसा आ रहा है, और अभी भी आप जॉब में बिजी लगता है कि नहीं नहीं मैं तो जॉब में हूं, खुश हूं, संतुष्ट हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ताज्जुब होती है सोच के, ये आंकड़े हैं। राइट, आप जरा ध्यान देना, 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बाय रीजन की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि एशिया ऑब्वियसली चाइना की वजह से बहुत बड़े मार्जिन लेके आगे है। उसके बाद आप देखिए कौन है दोस्तों, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अमेरिका में देखो दो पार्ट है, 1914 जोड़ दो कितना हुआ, 34% पहुंच जाएगा फिर से वो अमेरिका में। यदि बात करूं डेटा के दोस्तों, 2017 के अंदर में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां था बाय रीजन, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका, एशिया और यूरोप के अंदर में कौन कौन है। जर्मनी टॉप पे थी, कहीं चाइना टॉप पे है, तो कहीं यूएस टॉप पे है। आप कहां बिलोंग करते हो, ध्यान देना। मैं रिपीट करूंगा फिर से, यदि 2017 का सेल्स बाय पर डिस्ट्रीब्यूटर देखा जाए कि हाईएस्ट सेल किस कंट्री ने पर डिस्ट्रीब्यूटर किया, तो देख जर्मनी में लगभग $18,869 पर ज्वाइंट पर नेटवर्कर सेल हुई है। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डाटा है। इंडिया का डाटा दोस्तों 189 रुपए का है सिर्फ, यानी कि लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं बट उनके खुद के पास में सेल्स का डाटा नहीं है, कंज्यूमर्स नहीं है, 189 रुपए ओनली। ध्यान देना, आप यदि देखा जाए 2017 में सेल्स पर डिस्ट्रीब्यूटर लोवेस्ट में, तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया मात्र 85 पे बैठा हुआ है। राइट, आप इमेजिन करना, यदि इंडिया का टर्नओवर की बात करूं दोस्तों, तो आप लोग इस बिजनेस में नहीं हो तब भी भारत में 2015 में 760 करोड़ और 2018 में 1300-1350 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। और 2019 का डेटा कोरोना के चक्कर में लेट हो गया, आने वाला है, आ जाएगा 2-4-6 महीने में, और अभी भी आपको डाउट है कि मैं इस फील्ड में आऊं या ना आऊं। दोस्तों एक बात ध्यान देना, इंडिया का एक बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है, राइट, मैं इसको जूम करना चाहूंगा, इसको दोस्तों बोलते हैं क्या, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस का एक डेटा है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये डेटा है आपका 29 जून 2016 का। इंडियन एक्सप्रेस फिक्की का रिपोर्ट आता है। फिक्की कौन है? फिक्की वो ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं ना कहीं भारत को बजट का पास करने में भी सपोर्ट करती है इंडिया का। राइट, फिक्की ये बोलती है डेटा के आधार पे कि भारत में 64,500 करोड़ का कारोबार नेटवर्क मार्केटिंग का होने वाला है 2025 तक, जो सिर्फ और सिर्फ उस समय तक 7,500 करोड़ का था, इस समय 13,500 करोड़ पे है। 13,500 करोड़ का दोस्तों बिजनेस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज, और आप समझो अगले 5 सालों में, 2020 की बात कर रहा हूं, अगले 5 सालों में जब ये बिजनेस 65,000 करोड़ का होगा दोस्तों, पैसा कौन बनाएगा जरा सोचना दोस्तों। पैसा वो बनाएगा जो लोग आज से इस बिजनेस में कनेक्टेड हों, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है।
राइट। आप ध्यान देना, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि आज मैं आपसे सवाल पूछूं एक, कि आपके घर में कोई लड़की हो कोई लड़का हो जो ग्रेजुएशन करने वाला हो या जो ट्वेल्थ पास किया, आप कौन सा कोर्स कराएंगे? तो 90% गार्जियन पता सवाल सर जवाब क्या आता है, MBA कराऊंगा, MCA कराऊंगा, BTEC कराऊंगा, BCA कराऊंगा, बस पढ़ाई खत्म। क्योंकि MBBS पढ़ाने का क्षमता मीडियम परिवार के पास है नहीं, 70-75 लाख का खर्चा है, राइट। तो हायर एजुकेशन हमारी देने की क्षमता नहीं है, अल्लोर में बजा कौन, MCA BTEC यही बचे। अब बिलीव करो ये MCA BTEC MBA वाले आज मारे मारे घूम रहे दोस्तों, नौकरी नहीं मिलती। मैं इसलिए बोला हूं कि मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी थी दिल्ली में और मैंने देखा था कि हमारे यहां हर महीने 2-4 लड़के वैसे MBA MCA आ जाते फ्री में जॉब करने को तैयार थे कि सर कम से कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दोगे, घर बैठे बैठे भूल जा रहा हूं क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, राइट। और आप अपने बच्चों को आज भी वो पढ़ाई कराते हो, जबकि आपके बच्चों को दोस्तों वो पढ़ाई करानी चाहिए जिसमें फ्यूचर सिक्योर हो। किसमें है? रोबोटिक्स। आने वाला फ्यूचर दोस्तों रोबोट्स का है, अपने बच्चों को रोबोटिक्स का कोई कोर्स कराओ, फ्यूचर ब्राइट है। सैटेलाइट्स, आने वाला हर चीज सैटेलाइट पे चला, सैटेलाइट का कोर्स कराओ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स कभी मरने वाली नहीं है, उस पर ले जाओ। लेकिन आज भी हम बच्चों को क्या करा है, MCA BCA MTEC BTEC में डाल रहे हैं जहां कुछ भी रखा नहीं है, लोग मारे मारे घूम रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना, कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों जब कोई डेटा लेके आती है ना, मैं रिपीट करूंगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डेटा लेके आती है, कोई प्लानिंग करती है, तो कल के लिए प्लान नहीं करती, आगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद का प्लान आज ही कर लेती है। जब एक रोड पास होता है दोस्त, तो वहां पे आबादी आज कितनी है, 10 साल बाद कितनी हो सकती है जनगणना के आधार पे, और 20 साल बाद कितनी हो सकती है, उतना जगह पहले से कवर कर लिया जाता है। आप देखोगे जब अतिक्रमण हटाया जाता है आपके शहर में से, तो रियल में वो जमीन गवर्नमेंट ने पहले से पास कर रखा था कि जब आबादी बढ़ेगी तो कैसे मैं इसको कंट्रोल करूंगा, लेकिन जबरदस्ती हम जैसे लोग कब्जा करके वहां बैठे होते हैं। मैं ये क्यों बोला, गवर्नमेंट जब प्लानिंग करती है दोस्तों आज का नहीं करती। आप जरा देखना, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2014 से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक MBA का कोर्स चला रहा है, डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आपको क्या लगता है बेवकूफ है? नहीं, दे नो वेरी वेल कि आने वाले 10 साल में क्या डिमांड होने वाली इंडिया के अंदर में। लोगों को ड्रीम होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन बस मिल जाए, ड्रीम होता है, ड्रीम सपना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों 2018 लास्ट में कोर्स लॉन्च किया, ध्यान दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग BCOM ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है, ये एजुरेप के डायरेक्ट वेबसाइट से मैंने खुद लिया था, और दिल्ली आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है पीछे, है ना, पीछे वाटरमार्क होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पे पढ़ाई लेके आ गई, और यदि अभी भी आपको डाउट है कि इस बिजनेस में जाऊं कि ना जाऊं, सही है कि फ्रॉड है, तो भैया धन्य हो, महान है आप लोग। फक्र होता आपको सोच के ऊपर में कि या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी समझदार हो या आप समझदार हो। आज यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स लेके आ चुकी है और अभी भी आपको डाउट है दोस्त, तो आप वाकई में भगवान से पूछ के पैदा हुए होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। क्यों कर रहा हूं, आप देखना बुक की कटिंग है ऊपर, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, या ब्रैकेट में लिखा है मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाउ मेनी टाइप, हाउ टाइप्स ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज एजुकेशन दिया जा रहा है और अभी भी आपको डाउट है दोस्तों। एक चीज ध्यान देना, 8वीं क्लास तक में प्लानिंग चल रही कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में डाला जाए, कि जब बच्चे, मैं रिपीट करूंगा, जब बच्चे 8वीं क्लास पार करें तो उनको साइंस में, आर्ट में, किस में, कॉमर्स में नहीं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि यस नेटवर्क मार्केटिंग भी एक फ्यूचर है, करियर है, और आपको अभी भी डाउट है कि फील्ड में आऊं कि ना आऊं। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, 2016 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की, मैं रिपीट करूंगा, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है, किसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट। और अभी भी आपको डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं, मैं आपको डेटा देना चाहूंगा, इस डेटा को ध्यान से देखना। मैं जरा सा एक वेबसाइट खोल के फिर आपको शेयर करूंगा, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ गूगल पे जाके दोस्तों सिर्फ एक शब्द डालो, क्या डालोगे आप, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। आप दोस्तों जैसे ये डायल करोगे, जब ये डालोगे ना गूगल के ऊपर में, स्क्रीन जब शेयर करेंगे, तो यहां देखिए मैंने गूगल पे जैसे ही डाला, यहां consumerhelpline.gov एक वेबसाइट आता है, एक वेबसाइट आता है, यहां पर आप देखिए मैं क्लिक करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीओवी, यानी दोस्तों गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहां पे कितनी कंपनियां दोस्तों अब तक लाइसेंस मिल चुका है, या लाइसेंस तो नहीं बोलूंगा, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए हैं, और साथ में दोस्तों यहां पे एक डेटा आता है कि किसी कंपनी पे यदि FIR वगैरह है तो वो भी आपको यहीं दिख जाएगी, राइट। यहां पे यदि मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा मैं बैक करूं, राइट, बैक करूं, आप देखिएगा यहां पे मैं सिर्फ डेटा PHP को खत्म करता हूं, एंटर, तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रोसीड, यहां देखिए नोडल ऑफिसर का नंबर आता है, आप देख सकते हैं कि 30 स्टेट, मैं रिपीट करूंगा, टोटल 30 स्टेट के अंदर में दोस्तों इसमें नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और अभी आप पढ़े लिखे लोगों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा, और अभी भी आप इन पढ़े लिखे लोगों को ये डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं, जेन्युइन है कि नहीं है,
दोस्तों ये आप तबाही, आप ये जो कर रहे हो ना कि आप ये अपने से मजाक नहीं कर रहे हो, एक्चुअली दोस्तों आप अपने आने वाले जनरेशन से मजाक कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप अपने आने वाले जनरेशन से मजाक कर रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन लेके आ जाती है, यूनिवर्सिटी में MBA कोर्स आ जाता है, डेली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो जाती है, और अभी आप चतुर चलांक बैठो कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, फालतू मुझे नहीं करना चाहिए। ताज्जुब की बात है दोस्तों, हमेशा ध्यान देना, हमारे माँ बाप के पास कोई अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं थी, एक रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी थी। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं कि अपने घर में किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ो और आसपास किसी ऐसे बिल्डिंग पास दोस्तों ले जाओ जो अभी ताजा ताजा बना हो। आप जब उनको बिल्डिंग पास लेके जाओगे ना, तो उनके मुंह से एकाएक आवाज निकले, जो बुजुर्ग आदमी हो एकाएक आवाज निकलता है, अरे बेटा ये कब बन गया, क्योंकि बुजुर्ग थे, बहुत दिन से नहीं आए थे ना घर के आसपास के एरिया में, कोई मॉल बन गया, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गई। आप बोलते हो पापा ज्यादा नहीं, बस 1.5 साल पहले बना है, उनके मुंह से दोस्तों एक आवाज निकलती, बताओ पहले यहां जंगल हुआ करता था, पहले यहां कुत्ते लेटते थे, पहले मैं यहां पे लोटा लेके आता था, ऐसे उनके शब्द निकलते हैं। आप पूछो दादाजी आपने क्या किया, जब यहां पे जंगल थे आप 2-4 बीघे जमीन लिखा लिए होते, 2-4 एकड़ लिखा लिए होते, उस समय तो नॉलेज था नहीं कि जंगल में कल मंगल होने वाली है। दोस्तों उनके पास विजन नहीं थी, व्हाट अबाउट यू। जब आपका कल बच्चा ये पूछेगा कि बाबा एक बात बताओ, 2018 में 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन लेके आई, कानून लेके आई, 2018 में डेली यूनिवर्सिटी कोर्स लेके आई, 2014 में MBA कोर्स शुरू हो गया, 2020 में जाके आपके अखिलेश नाम के शख्स का वीडियो मिला यूट्यूब के ऊपर में, आपने लाइव टेलीकास्ट देखा, फिर भी आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया दोस्त? सोचना आप क्या जवाब दोगे कि मैं समझदार बन रहा था कि सब फालतू काम है। दोस्त आपकी जनरेशन आपको किसी लायक नहीं छोड़ने वाली, आप उस जनरेशन को दोस्तों जवाब नहीं दे पाओगे, जिस रेवोल्यूशन का पार्ट आज आप बन सकते हो, उन बच्चों के लाइफ चेंज कर सकते हो।